प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यह मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म है। आइए बच्चों, हम लोग आज जो है हिंदी मीडियम के लिए सामान्य अध्ययन जो है मुख्य परीक्षा के लिए आज हम कुछ प्रश्न आपके साथ लेकर आए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन, और आप देख सकते हैं बच्चों आपके सामने हमने यहां पर लिखा हुआ, पहले से पीडीएफ बना हुआ है, हमने सारा मेहनत कर रखा है, आपको केवल ध्यान सुनना है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे और उसको 200 शब्दों में किस प्रकार एग्जाम में लिखना है इसको हम देखेंगे, और साथ साथ हम क्वेश्चन के प्रारूप को भी समझेंगे। बच्चों आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे और आप देखिएगा, मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का स्वागत करता है। यहां पर हम सभी लोग आज एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न हमारा यह है कि समावेशी विकास, आप यहां पर देख सकते हैं प्रश्न है समावेशी विकास, और बहुत महत्वपूर्ण विकास है। आपने नरेंद्र मोदी की एक लाइन सुनी होगी, आपको याद रहेगा, सबका साथ सबका विकास। और यहां शब्द क्या है ध्यान रखिएगा, समावेशी विकास। समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नए कंपनी बिल 2013, ध्यान रखिएगा 1956 बिल की जगह पर 2013 में बिल लाया गया यशवंत सिन्हा कमेटी द्वारा। कंपनी बिल 2013 में सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उलझनों की भी चर्चा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्रश्न आज आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह मुख्य परीक्षा आईएएस के लिए प्रश्न है। प्रश्न यह था समावेशी विकास, और इस पर बहुत कुछ आप बहुत सही तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, समावेशी शब्द को पहले समझिए, समावेशी विकास है क्या। जैसा कि मैंने आपको एक लाइन बताया, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, समावेशी विकास का मतलब सबका साथ सबका विकास, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह बड़े से बड़ा पूंजीपति हो, चाहे वह बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हो, चाहे वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, हम यहां पर सबके विकास की बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर आएगा, सभी व्यक्ति इसके अंदर आएंगे। इस तरह से ऐसा विकास जो सभी के विकास के बारे में बात करेगा, उसी को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। बच्चों आप यहां पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझिए। देखिए, और ध्यान से इसको हमें समझते हुए चलना है एक एक चीज को। जब किसी विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों में जो भी कुछ आप बोल सकते हैं, गरीब अमीर, सभी जाति, धर्म, किसी भी धर्म का, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू के विकास की बात की जाएगी, केवल मुस्लिम के विकास की बात की जाएगी, नहीं सिख कम है तो सिख को छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। सबके विकास की बात हम लोग करेंगे, सब लोगों को हम लोग शामिल करेंगे, धर्म के आधार पर हम विभाजन नहीं कर सकते। सब लोग, समझिए इसको, याद रखिएगा कि सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों के विकास की बात हो रही है। और तो ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आप अपने आंसर की शुरुआत यहीं से करिए, पहले आप समझा दीजिए कि समावेशी विकास है क्या। अब देखिए, वर्तमान में समावेशी विकास भारत के विकास संबंधी विमर्श का एक विचार बिंदु है, समझिएगा, चिंतन का विषय है। इसका मतलब एक बात समझिए, अगर ऐसी बात की गई कि सभी के विकास की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऐसा पहले होता हुआ होगा कि जब विकास की बात की जाती है तो विकास का लाभ कुछ विशेष वर्गों को मिल जाता है, इस बात को समझिए। उसके अगेंस्ट में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ऐसा विचार लाया गया कि नहीं, ऐसा ना हो कि किसी एक विशेष वर्ग को लाभ मिले, ऐसा कुछ किया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति को भी हम वह लाभ दे सके। तो यही बात की गई कि यह एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई कंपनी अधिनियम, ध्यान रखिएगा कौन सा, 2013 में से लागू किया, और यह नया
कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे पहले कंपनी अधिनियम जो चलता था वह 1956 था, उसकी जगह लिया यह कौन सा, यह लिया 2013 अधिनियम। आगे देखते हैं, जिसे नए कंपनी अधिनियम 2013 में दूर करने का प्रयास किया गया है, यशवंत सिन्हा, ये नाम याद रखिएगा, हमने इसको पहले भी नाम लिया था, यशवंत सिन्हा समिति या कमेटी की सिफारिश पर आधारित इस विधेयक को कैबिनेट द्वारा अक्टूबर 2012 में तैयार कर लिया गया था। अक्टूबर 2012 में तैयार किया गया है और इसको हमने कब लाए हैं, हम लागू कब किया गया है, 2013 में। ये सारी बातें आपको यहां पर समझना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों, यहां तक आप देखिए, अब आगे सुनिए, नए कंपनी विधेयक सभी कंपनियों द्वारा, यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं और एक एक बात आपको बहुत अच्छे से हम समझाते हुए चलेंगे और आपको यहां से देखना है। विधेयक सभी कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, आप देखें, उत्तरदायित्व रणनीति को लागू कराने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉरपोरेट सामाजिक रणनीति को लागू करने के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। उनके पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ, इसमें ध्यान रखिए कितने साल का टाइम लिया गया है, 3 वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष में बता दूं आपको क्या होता है, इंग्लिश टर्म होता है फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें एक साल का समय लिया जाता है। कई जगहों पर क्या होता है, जनवरी से दिसंबर का चलता है, मतलब 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक का जो वर्ष होता है वित्तीय वर्ष कहलाता है। लेकिन भारत में यह जो होता है, यह ध्यान रखिएगा, यह 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, मतलब लेना तो वित्तीय वर्ष में एक साल का है, लेकिन हमारे यहां हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष माना जाता है वह कब से माना जाता है, वह 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का पूरा जो पीरियड होता है उसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो यहां पर कितने वित्तीय वर्ष की बात की गई है, यहां पर बात की गई है 3 वित्तीय वर्ष की, ध्यान रखिएगा, 3 वित्तीय वर्षों का औसतन शुद्ध लाभ कम से कम 2%, कम से कम कितना 2% निर्धारित करना अनिवार्य। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ने 2% कम से कम लाभ तो गेट किया ही किया है। और मान लीजिए आपका, सपोज करिए औसत समझने के लिए समझिए, मान लीजिए किसी साल आपका 5% हो गया, किसी साल आपका 1% हुआ, किसी साल आपका 0% हुआ, तो टोटल आपके 6% लाभ हुए और टाइम लगा 3, तो औसत लाभ आपका 2% हुआ कि नहीं, उससे मतलब नहीं कि किसी साल बहुत अधिक, किसी औसत 3 वर्ष का, पिछले 3 वर्षों का जो वित्तीय लाभ है वह 2% या उससे अधिक होना चाहिए। यह विधेयक ध्यान रखिएगा 500, यह विधेयक 500 करोड़, कितना 500 करोड़ या उससे अधिक रुपए के निवल मूल्य, ध्यान रखिएगा यह कहां पर लगेगा, 500 करोड़ या उससे अधिक, 1000 करोड़ रुपए या अधिक के कारोबार, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक कंपनी के पास सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व, सॉरी, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध लाभ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, देखिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष में आपको कितना लाभ दिखाना पड़ेगा, 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का आपको लाभ दिखाना पड़ेगा। इन कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। फिर से इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राजनीति को लागू करने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह तभी आप लागू कर पाएंगे जब आप इन कंडीशंस को पूरा करेंगे। आइए बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो नई कंपनी विधेयक 2013 के कार्यान्वयन जो किया गया, इसमें चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया कि सामेकित विकास क्या है, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहा गया आपसे कि कहा गया है कि सबसे पहले बताइए कि समावेशी विकास क्या है, और दूसरी बात आपसे क्या कहा गया है, बिल 2013 सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह जो 2013 का जो बिल है, इसने आप
को अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है कि आपको करना ही करना है, समझिएगा। और इसकी गंभीरता से पालन कराने में जो चुनौतियां आई, इन सारी चीजों पर बात करना है। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये कह रहा था कि अब यहां पर हम इस बात को समझेंगे कि नई कंपनी विधेयक जो हमारे सामने यहां पर है 2013, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्रियान्वयन में, इसके कार्यान्वयन में क्या क्या चुनौती, हमें चुनौतियों का हमें पालन करना पड़ेगा। तो आइए मैं एक एक करके एक पॉइंट को बताता हूं, जरा आप समझिएगा। देखिए ध्यान से, अब आप समझते जाइए। सबसे पहली बात आप यहां पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको यहां पर पीडीएफ मिल भी जाएगा, आप आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाते हुए चलता हूं। जो कंपनियां पहले से ही सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च कर रही हैं, ठीक, आप इस बात को समझिएगा, पहले से ही आपका जो है सोशल वर्क में पैसा खर्च हो रहा है, उन्हें इसे बंद करने पड़ सकते हैं। अब इस बात को समझिएगा, जिनका सामाजिक कार्य में पहले से पैसा जा रहा है, देखिए कितना कंट्रोवर्सी है, उन्हें इस काम को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि नए विधेयक के अनुसार सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व की परिभाषा में उनके कार्य को शामिल नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो नई परिभाषा आई है उस परिभाषा में यह शामिल नहीं, परिभाषा के अंदर यह उनका कार्य शामिल नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। फिर समझिए, जो कंपनियां पहले ही सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च कर रही हैं, उन्हें इसे बंद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आप पैसा खर्च दिखाते हैं उसको अब हम कार्य में काउंट नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है, सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को नहीं करने के लिए अधिनियम में दंड का उल्लेख नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई सामाजिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए इस अधिनियम में ऐसा नहीं कि कोई दंड का प्रावधान दिया गया, नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। अब देखिए, कॉरपोरेट भी राजनीतिक उगाही से डरते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है वह राजनीतिक उगाही से क्या करता है, डरता है, क्योंकि राजनेता कंपनियों को अपने ट्रस्ट में योगदान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा होता भी है, जो राजनेता होते हैं वह सोशल एक्टिविटी के नाम पर कॉरपोरेट को धमकाते हैं, डराते हैं और उनसे क्या करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बना करके उनसे पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, खर्च करने के माध्यम का निर्धारण नहीं करना भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह तो निर्धारित ही नहीं है इस नियम में कि खर्च करने का माध्यम क्या होगा, आप खर्च कहां करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इसके लूपहोल हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना कठिन कार्य होगा, एक बात ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें पढ़ के आपको समझ में आ रही होंगी कि यह कितना बड़ा जो है समस्या का विषय है। अब आगे आप देख सकते हैं, अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, अगला पॉइंट आप देखिए, विदेशी निवेशकों, अब आइए हम देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके साथ में क्या होता है। अब यहां पर देखिए, विदेशी निवेशकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इस पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर है उस पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व में धन खर्च, ध्यान रखिएगा, धन खर्च करने का माध्यम एक चुनौती हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य प्रावधानों में कॉर्पोरेट सेक्टर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निदेशक मंडल में, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊं कि जो यह कॉर्पोरेट सेक्टर होता है इसमें 3 डायरेक्टर की अवधारणा दी गई है, और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 डायरेक्टर में से यहां पर अन्य प्रावधानों में कॉर्पोरेट सेक्टर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निदेशक मंडल में, जो इसकी निदेशक मंडल है इसमें एक महिला निदेशक सदस्य को नियुक्त करना अनिवार्य बना दिया गया है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर समिति में एक महिला मेंबर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं क्या हो, मजबूत हो। आगे देखिए, कंपनी के विलय, इस बात को ध्यान रखिएगा, विलय एवं अधिग्रहण, ध्यान रखिएगा, कंपनी के विलय, कंपनी किसी के साथ मिल जाए या किसी कोई भी दूसरी कंपनी उस कंपनी को एक्वायर कर जाए, ऐसे में यह आपको जो है जानकारी कंपल्सरी कर दी गई है कि आपको इस बात की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को पहले से ही सूचित करना
पड़ेगा। देखा हमने आपको एक एक बात बड़े अच्छे से टू द पॉइंट बताया और हमने आपको समझाया कि किस तरह से हम समावासी विकास को समझ सकते हैं, किस तरह से हम 2013 अधिनियम को यहां पर समझ सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से, आपके पास ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी एक एक बात मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एक दूसरे के पूरक ही हैं। अभी आप मेरे को दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको यहां से भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, अब सेकंड प्रश्न हम आ गए, हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है वित्तीय दायित्व, ठीक है, वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, ठीक है, को प्रारंभ करने के क्या कारण थे और उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन फिर से आ गया, इस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो आपका फाइनेंशियल जो है जिम्मेदारी है, जो आपकी वित्तीय जिम्मेदारियां हैं और बजट प्रबंधन, आप एक बात समझिए, जो पैसा आता है उसका प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं FRMB। अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे, समझिएगा इस बात को। आखिर में ये जो नियम है 2003 वाला, अब इसको जरा देखिए और आप यहां पे समझ सकते हैं इसको प्रारंभ करने क्या कारण थे, उसके प्रमुख प्रावधानों और उसकी प्रभाविता की देखिए एक शब्द यहां पर दिया गया, समालोचनात्मक क्या होता है, देखिए एक होता है आलोचनात्मक, एक होता है समालोचनात्मक। आलोचना करने का मतलब केवल जो है आप किसी के बारे में निगेटिव बातें बोल दीजिए, लेकिन समालोचनात्मक मतलब उसके जो है पॉजिटिव क्या है, उसके निगेटिव क्या है, इन दोनों बातों पर हमें ध्यान से उस पहलू को देखना चाहिए। तो हमें यहां पर सारी चीजें देखना चाहिए कि इसकी सकारात्मक पक्ष क्या है और इसकी नकारात्मक पक्ष क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम आप बताते हैं, वित्तीय दायित्व और बजट अधिनियम वर्ष 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया और वर्ष 2003 में इसके एक अधिनियम के रूप में जो है यह एक अधिनियम के रूप में क्या किया गया, इसको अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य था सरकार अपने राजकोषीय कार्यों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता लाए, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करके सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं GDP, ध्यान रखिएगा इसको हम बोलते हैं GDP, सकल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग पूरा परिचर्चा करेंगे चैप्टर में, ठीक है, पारदर्शिता लाए और इस बात को ध्यान रखिएगा GDP की वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके। सरकार ने वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा को शून्य पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो राजकोषीय घाटा था ये प्रयास किया गया 2003 में कि हम 2008-09 तक इस घाटे को क्या करें, शून्य पर ले आए। फिर क्या हुआ भाई देखिए, और राजकोषीय घाटा को ध्यान रखिएगा यहां निर्धारित किया गया, राजकोषीय घाटा को 3% से नीचे लाना तय किया गया। इसके साथ ही सरकार ने प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे को 0.5% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया कि हर साल हम इसको 0.5% प्रतिवर्ष कम करते चले जाएंगे, ठीक है। इस अधिनियम में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने से मना किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं फिर से आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि सरकार ने राजस्व घाटे को 5% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने से मना किया गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, जो आप एक बार देखिए हमारे देश में जो ऋण का सिस्टम है वह बड़ा दिक्कत वाला है। पैसा ले लेना, क्या वह सही हाथों में गया, अगर पैसा सही हाथों में गया ठीक या गलत हाथों में गया, उसके बाद उसका रिकवर सिस्टम, राजकोषीय घाटा, वित्तीय जो जैसे क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं बड़े बहुत अच्छे अच्छे नाम आपको पता होगा कि लोन ले लेकर के क्या करते हैं, उसको देते ही नहीं है, सरकार पूरा प्रयास कर लेती कुछ भी कर लेगी, वो क्या करते हैं उसका गबन कर जाते हैं, नहीं देते हैं।
तो ये एक चीज है, यहां पर ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने से मना किया गया, और इसमें कहा गया कि देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, सरकार आपदा स्थितियों में ही, जैसे अब कोरोना काल है, कोरोना काल समझिए कैसा है, यह आपदा अधिनियम लागू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार आपदा स्थितियों में ही भारतीय रिजर्व बैंक से क्या कर सकती है, ऋण ले सकती है। हालांकि वर्ष 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और उर्वरकों की, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तेल और उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, ठीक है, जिसके कारण सब्सिडी में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप लक्ष्यों का कार्यान्वयन की समय सीमा को स्थगित कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय भारत का राजकोषीय घाटा 6.5% तक बढ़ गया। आप देख रहे हैं, देखिए जब जब कभी दिक्कत होती है तो सरकार कहां से पैसा मांगेगी, सरकार मांगेगी किससे पैसा मांगेगी, सरकार मांगेगी रिजर्व बैंक से, और रिजर्व बैंक जब पैसा देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, और आपदा की स्थिति है तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जिस घाटे की बात की गई है, आप इसको ध्यान से देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ले सकती है। हालांकि वर्ष 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण, ये क्यों आया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और जो उर्वरक है उसकी कीमतों में क्या हो गया, भारी वृद्धि हो गया। अच्छा, उससे क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस समय भारत का राजकोषीय घाटा कितना था, 6.5% तक बढ़ गया था। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से एकदम सुनते जाइए, आपको समझ में भी आने लगा होगा आप थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन, ठीक, अधिनियम 2003 को सफलता और असफलता दोनों ही प्राप्त हुई, ठीक है। इसमें जो है हम देखेंगे कि सफलता किस प्रकार प्राप्त हुई है और असफलता किस प्रकार प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें कोई विशेष उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश नहीं की। देखिए, राज्यों को कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर कोई योजना ऐसी आ गई तो क्या करेगी, वह टैक्स, हमारा टैक्स मारा ना जाए, तो राज्य सरकारें बहुत डरती है। जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी से आप राज्य सरकारें, बहुत सारी राज्य सरकारें बहुत देर से लागू की होंगी, आप क्योंकि डरती, उन्हें लगता है कि हमारा टैक्स ना मारा जाए, हमारे पास फिर पैसा नहीं आएगा तो हम कैसे फिर अपने राज्य को चलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र व राज्य सरकारें, देखिए इस बात को फिर से मैं पढ़ता हूं, लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें कोई विशेष उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश नहीं की। केंद्र और राज्य सरकारें लोक निभावन योजनाएं चलाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बताता हूं, जो सरकार चलती है वह कैसे चलती है, वह पब्लिक को खुश करना चाहती है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन जो चाहता है, वह चाहता है कि अगर हमने पैसा दिया है तो वह पैसा हमारा, हमारे पास मिले। मैं आप पहले भी जिक्र कर रहा था कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसमें ऋण आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि उसका पैसा भी कवर नहीं हो पाता, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हम जनता को खुश रखें। तो वही बात यहां पर कहा गया है, लिखा गया है, केंद्र व राज्य सरकारें लोक लुभावन योजनाएं चलाती हैं जिससे इसे प्राप्त करना कठिन हो जाता है। वित्तीय दायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम 2003 का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र की सामयिकृत ऋण, ध्यान रखिएगा, अब यहीं पर मैं इस बात को बता रहा हूं, यहां पर बात की गई है सार्वजनिक क्षेत्र की सामयिकृत ऋण आवश्यकताओं तक किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लगातार तीव्र गति से क्या हो बढ़ रहा है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से ऋण ले सके। ध्यान रखिएगा, सरकार के पास यह और मानक तय करना पड़ेगा कि जब आपदा आए, जब कोई संकट आए, तो वह अलग अलग रिसोर्सेस से किस प्रकार से वह धन को जनरेट कर सके, और देखिए आर्थिक मंदी के दौरान ऐसा कर सके। हालांकि अगर सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सामाजिक योजनाओं पर खर्च कम करती है तो यह समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मैंने शुरू में कहा था कि इस क्वेश्चन से आप चीजों को, दोनों क्वेश्चन को जरा एक दूसरे से आप लिंक करने की कोशिश करिएगा। आप यहां पर समझिए कि अगर, देखिए अब यहां पर बात क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि पब्लिक क्या करे, समावेशी विकास करे, लेकिन वित्तीय प्रबंधन क्या चाहता है, वित्तीय प्रबंधन चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो, मजबूत हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि विकास और छूट, जैसे आप एक आपको बात, सब्सिडी होती है, सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो यह चीज, इसकी लागत है 500, यह चीज 500 में है, लेकिन हम इस चीज को 300 में आपको दे रहे हैं, तो वह 200 जो आप दिया किसने दिया, फिर वो गवर्नमेंट ने दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो
निश्चित रूप से आपको देखिए 500 की चीज के लिए 500 रुपया पे किया जा रहा है, लेकिन वह जो 200 रुपया दिया गया सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में, इस बात को ध्यान रखिएगा, वह तब तक उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाता जब तक कि फसल अच्छी पैदा ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उसको मिल जाए, इस बात को ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि लाभ जो होता है वह कोई और खा जाता है, किसी के नाम पर कोई और उस लाभ को क्या करता है, ले लेता है। तो निश्चित रूप से जब हम इस चीज को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, अभी तो यहां पर क्या है कि हमने क्वेश्चन दिया है और उसके आधार पर आपको आंसर हमने बताया है। हमने यहां पर आपको दो क्वेश्चन कराए हैं और आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को हमने अच्छे समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में दोनों क्वेश्चन अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। अपने कमेंट लगातार हमारे तक पहुंचाइए और जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं अपने प्रश्नों को लगातार हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे और फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। यहीं पर अपनी बातों को रोकता हूं, धन्यवाद।